इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। किसी भी टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर में रिलेशन। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है इसको तो हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। टेलीस्कोप के लिए इसका फॉर्मूला आ गया था आर इक्वल्स टू ए ओवर 1.22 लैम्डा। ये था रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला, जहाँ पर ए होता है अपर्चर ऑफ लेंस एंड लैम्डा होती है वेवलेंथ, आर होती है रिजॉल्विंग पावर। अब बात कर लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। तो मैग्नीफाइंग पावर होती है वी ओवर यू, यानी कि अगर बात करते हैं किसी टेलीस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उससे जो इमेज बनती है इन दोनों का रेशियो, यानी कि यहाँ पर आती है इमेज की डिस्टेंस ओवर आती है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों के रेशियो को हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। इससे हमको क्या पता लगता है, इससे पता लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी या बराबर बनेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। आइए देख लेते हैं, बना लेते हैं टेलीस्कोप। ऐसा मान लेते हैं ये कोई टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप में फिलहाल हमने यहाँ पर ये दो लेंस, यहाँ पर होती आई जहाँ से हम इसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आई पीस और इसको बोलते हैं फील्ड लेंस। फील्ड लेंस इसको बोलते हैं आई पीस, यानी कि जहाँ से देखते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है जिससे ये इस तरीके से रेज आ रही है, जो सेंटर से आती है वो सीधी निकल जाती है और यहाँ पर अगर ये वाला एंगल कितना बनाती है ये अल्फा, और इमेज यहाँ पर बनती है तो ये जो ये इमेज यहाँ पर बनती है वो इसके लिए क्या होती है ऑब्जेक्ट, और कुछ इस तरीके से निकल जाती है सेंटर से। यहाँ पर बहुत सारी रेज होंगी, मुझे केवल मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर में रिलेशन बताना, इसलिए मैं केवल एक बना रहा हूँ कि यहाँ पर ये एक होगी, इनफाइनाइट होंगी, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी और जो इसकी इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होती है, ये अलग बात रही। इसको मैं मान लेता हूँ बीटा, तो ये भी क्या होगा बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है इन द फॉर्म ऑफ एंगल, तो मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा ओवर अल्फा, ये होती है मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पर क्या था, ये इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट था जिससे इनफाइनाइट रेज आ रही थी, जो कि आई पीस इस पर, इस वाले लेंस पर, जिसका अपर्चर कितना है इसको मैं मान लूँगा ये ए, कैपिटल ए, और इसका अपर्चर कितना है इसको मैं मान लूँगा ए ई, स्मॉल ये वाला, इसका ये अपर्चर द्वारक। आप देखेंगे तो इस पर एंगल कितना बन रहा है ये अल्फा और ये कितना बन रहा है बीटा, इन दोनों एंगल का जो रेशियो होता है बीटा अपॉन अल्फा, ये मैग्नीफाइंग पावर होती है। इसको मैं मान सकता हूँ इक्वेशन वन। अब हम जानते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होती है, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। मान लेते हैं ये कोई दो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई ये आँख इसको देख रही है, तो एक रेज यहाँ से आती है एक रेज यहाँ से, यहाँ पर जो ये एंगल बनता है ये वाला जो एंगल है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, यही एंगल क्या कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसका मतलब इस लेंस के लिए अल्फा क्या हो गई, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो गई, वैसे ही आई पी सी के लिए बीटा क्या हो गई, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसका मतलब ये भी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है और ये भी क्या है, यानी कि आई पी सी पर या किसी भी लेंस पर या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और ये भी क्या हो गई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये किसके लिए हो गई, फील्ड लेंस के लिए, ये फील्ड लेंस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जिसका अपर्चर कितना है ए है। तो हम जानते हैं जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है कितना होती है, वो होती है 1.22 लैम्डा ओवर अपर्चर ए। इसी का जो इन्वर्स होता है उसी को तो हम रिजोल्विंग पावर कहते हैं। तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसके लिए हो गई, इसके लिए। वैसे ही आई पी सी की खुद की भी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी, क्योंकि हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हर एक लेंस की अपनी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है। वैसे ही बीटा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी ये, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगी ये 1.22 लैम्डा ओवर अपर्चर कितना है ये ए ई, ई फॉर आई पी सी, ये वाली दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये एम इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1.22 लैम्डा ओवर ए ई, बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए ओवर कितना आ जाएगा ये 1.22 लैम्डा। तो देखेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा ये एम इज इक्वल्स टू ए ओवर ए ई। अब हम जैसे ही बात करते हैं टेलीस्कोप के लिए रिजोल्विंग पावर, तो ये कितनी होती है, ये होती है, और यहाँ पर ये कितना था, ये ए था, तो इसको यहाँ पर हम ए लेंगे,
जो भी पहले लेंस की वो होगा अपर्चर होगा उसी की हम बात करेंगे, क्यों यही देख रहा है, बाकी तो मैग्नीफाई करके दिखाता है हमको, ये क्या दिखाता है मैग्नीफाई करके, तो इसी के लिए रिजोल्विंग पावर होती है ये। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला रहा इस टेलीस्कोप के लिए रिजोल्विंग पावर का। अब हम ये वाला ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू एम ए ई। अब ये पूरी टेलीस्कोप की यहाँ पर जो ये इस पूरी टेलीस्कोप के लिए ये क्या हो जाएगी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और ये वाला क्या हो जाएगा अपर्चर, और ये पूरे सेटअप के लिए यही होती है रिजोल्विंग पावर। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, ये आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू 1/1.22 लैम्डा इंटू ए की वैल्यू ये रही एम ए ई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा एम, और यहाँ पर आ जाएगा ये ए ई ओवर 1.22 लैम्डा। अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो ये वाली क्या है, ये इसके लिए क्या बन गई रिजोल्विंग पावर बन गई इस लेंस के लिए, क्योंकि इसका ये अपर्चर है। यानी कि अगर बात करते हैं मुझे इस लेंस की रिजोल्विंग पावर लिखनी है तो ये क्या है रेजोल्यूशन लिमिट है। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ यानी कि आर ई इज इक्वल्स टू 1/b, क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो इनवर्स होता है वो क्या होती है रिजोल्विंग पावर होती है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये ए ई ओवर 1.22 लैम्डा। यानी कि ये वाली टर्म अगर देखेंगे तो ये क्या बन गई रिजोल्विंग पावर ऑफ IPCs, यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा R इज इक्वल्स टू एम आर ई, और यहाँ पर आर ई क्या है रिजोल्विंग पावर ऑफ IPCs। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टेलीस्कोप की जो रिजोल्विंग पावर होती है वो मैग्नीफाइंग पावर इंटू रिजोल्विंग पावर ऑफ IPCs के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये आर क्या है रिजोल्विंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप, यहाँ पर एम क्या है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप, और यहाँ पर आर ई क्या है रिजोल्विंग पावर ऑफ IPCs। तो इस टेलीस्कोप की जो रिजोल्विंग पावर होती है वो मैग्नीफाइंग पावर इंटू रिजोल्विंग पावर ऑफ IPCs के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इसी को हम क्या कहते हैं रिलेशन ऑफ रिजोल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस तरीके से मैकेनिक्स ऑप्टिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।